नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो प्रतिरक्षा मंत्रालय रो दुईटी कार्यालय रो उद्घाटन कले प्रधानमंत्री मोदी कहले देशरे राजधानी को नुआ भारत रो आवश्यकता एवं आकांक्षा अनुसार विकसित करबा दिगरे महत्वपूर्ण पद सबडे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट रो आलोचकों को उचित जवाब देले प्रधानमंत्री मोदी सरकार को फोकस रे ड्रोन उद्योग आगामी तीन वर्ष रे निवेश हेबो 5000 कोटी 2026 सुधा 1.8 बिलियन डॉलर हेबो ड्रोन उद्योग केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री कहले मास्टर प्लान डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट अनुसार एंडेमिक आड़ को जाउछि कोरोना तथापि सतर्क रहिबाकु विशेषज्ञों परामर्श राज्य में रही भल स्थिति हेले विपद टळि नथिबा कहले स्वास्थ्य निर्देशक सबडे 24 घंटा रे कोरोना रे 580 पॉजिटिव एनसीसी व्यापक परिवर्तन पाई प्रस्तुति उच्चस्तरीय कमिटी गठन कला केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्रालय पूर्वतन सांसद बैजयंत पंडा नेतृत्व में गठित टीम रे महेन्द्र सिंह धोनी आनंद महिंद्रा सामिल एनसीसी वृद्धि नहीं पूर्व घोषणा करते प्रधानमंत्री मोदी हतिला चारधाम यात्रा उपरे लागि प्रतिबंधक मामलार शुणी कर निज पूर्व निष्पत्ति फ्राइनले उत्तराखंड हाइकोर्ट कोविड नियम मानि यात्रा आरंभ करने को राज्य सरकार को कोर्ट को निर्देश एवं टी20 टीम रो अधिनायक पद छाड़े विराट कोहली टी20 विश्वकप्रे अधिनायक पद छाड़ा नहीं घोषणा कले कोहली रोहित शर्मा को दायित्व मिलवा नहीं चर्चा पूर्व भली दिनिकिया और टेस्ट मैच रो अधिनायक रहिबे कोहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट आधार में निर्माण होइतिबा प्रतिरक्षा मंत्रालय दुईट नुआ कार्यालय उद्घाटन करिसेंते हा प्रतिरक्षा कार्यालय परिसर दिल्लीर कस्तूरबा गांधी मार्ग एवं आफ्रिका एवेन्यू रे रहिछे ए अवसर में प्रधानमंत्री मोदी अधिकारी को संबोधित करिथिले स्वाधीनतार 75तम वर्ष रे आज देश रे राजधानी को नुआ भारत रो आवश्यकता एवं आकांक्षा अनुसार विकसित करबा दिगरे एक महत्वपूर्ण पाद बढ़ाऊ नुआ डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स आम सेना को कार्य को अधिक सुविधाजनक करबा सह अधिक प्रभावी एवं सशक्त करबो यास प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट आलोचकों को उचित जवाब देते मोदी कही सेंट्रल विस्ता उपरे किछि लोक जनमानस को भ्रमित करने को चेष्टा कर आज पूरा देश देखुची जे सेंट्रल विस्ता पछरे आमे कौन करुछु समय पूर्व प्रतिरक्षा कार्यालय काम पूरा होइछि उद्घाटनी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रतिरक्षा मंत्री अजय भट्टों सह सीडीएस बिपिन रावत एवं सशस्त्र बलर प्रमुख उपस्थित रही डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी जो काम 24 महीने में पूरा होना था वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया यानी 50% समय बचा लिया गया वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन बिकना फलाना न जाने कितनी सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं इन तमाम प्रकार की चुनौतियां सामने थी कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है इस निर्माण कार्य से जुड़े सभी श्रमिक साथी सभी इंजीनियर सभी कर्मचारी अधिकारी ये सब के सब इस समय सीमा में निर्माण के लिए तो अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन साथ साथ कोरोना का इतना भयानक जब खौफ था जीवन और मृत्यु के बीच में सवालिया नशान थे उस समय भी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है पूरा देश उनको बधाई देता है पूरा देश उनका अभिनंदन करता है ये दिखाता है कि जब नीति और नियत साफ हो इच्छा शक्ति प्रबल हो और
प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। बुधवार केन्द्र कैबिनेट अस्त्र एवं ड्रोन उद्योग बड़ घोषणा करते यापर केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ड्रोन उद्योग उपरे सरकार को गुरुत्व उपरे कहते केन्द्रमंत्री कहते आगामी तीन वर्ष ड्रोन निर्माण पर 5000 कोटी टंका निवेश अनुमान पाखापाखि 10000 नुआ नियुक्ति सृष्टि यासह उद्योग में क्रांति आसो केन्द्रमंत्री कहते सेपरि पीएलआई आसंता तीन वर्ष ड्रोन निर्माण में 900 कोटी टंकार कारबार कर तेज 2026 सुधा ड्रोन उद्योग 1.8 बिलियन डॉलर होगा अनुमान कर अगले 3 साल में करीब 5000 करोड़ का निवेश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्रोन के लिए निवेश किया जाएगा, जिसके आधार पर करीब करीब क्लोज टू करीब करीब 900 करोड़ का टर्नओवर 3 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ला पाएंगे, जिसके आधार पर 10000 रोजगार के अवसर सृजित हो पाएंगे। तो एक नया क्रांति इस क्षेत्र में आएगा और इनडायरेक्ट इसका इफेक्ट, अप्रत्यक्ष इसकी इफेक्ट हमारे ड्रोन सर्विसेज के वैल्यू चेन पे भी रहेगी। और ड्रोन सर्विसेज की वैल्यू चेन हमारा अनुमान है कि टोटल टर्नओवर करीब करीब 30000 करोड़ तक पहुंचेगा और 3 लाख रोजगार के अवसर इसके आधार पर उत्पन्न हो पाएंगे। चारिधाम यात्रा उपरे लगा जाइथवा प्रतिबंधक को हटाइले नैनीताल हाईकोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट गुरुवार मामलार सुनानी करी चारिधाम यात्रा उपरे लागितबा प्रतिबंधक हटाई देछंती। हाईकोर्ट जून 28 तारीख रे लगाइथबा प्रतिबंधक निष्पत्ति को फेराई नेछंती। यासो कोविड नियम पालन करी चारिधाम यात्रा आरंभ करबाकू कोर्ट राज्य सरकार को आदेश देछंती। उत्तराखंड हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा को खंडपीठ बद्रीनाथ धाम 1200 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम 800, गंगोत्री 600 और जमुनेत्री 400 यात्री को जीवाक अनुमति देते। प्रत्येक यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन रो 2टी डोज नहीं सर्टिफिकेट सांगे ने पड़े। बुलेटिन के समय एक छोटो कमर्शियल ब्रेक रहो। गुजरात में भूपेन्द्र पटेल सरकार रो नुआ मंत्रिमंडल 24 नुआ मंत्री ग्रहण कले पद एवं गोपनीयतार शपथ। विधानसभा रे वर्तमान सुधा बाचस्पति थिबा राजेंद्र त्रिवेदी प्रथमे शपथ ग्रहण करथिले। तांको सो बीजेपी रो पूर्वतन राज्य सभापति जीतू वगानी मध्य कैबिनेट मंत्री भाबे शपथ ग्रहण करिसेंती। नुआ मंत्रिमंडल रे विजय रूपाणी को समय रे मंत्री थिबा कोनोसी भी नेता को शामिल करा जाय नहि। राज्यपाल आचार्य देवव्रत 10 कैबिनेट मंत्री को सह 9 राज्य मंत्री एवं 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र भाबे शपथ ग्रहण करिसेंती। एपरि गुजरात रे बीजेपी नेतृत्व रे केवल परिवर्तन जाई नहीं बरम एक प्रकार नुआ सरकार ही गठन करा दैछे। प्रथम थर विधायक होई मुख्यमंत्री होइतिबा भूपेंद्र पटेल को नुआ टीम रे अधिकांश नुआ चेहरा शामिल अछन्ति। नजर पकाइबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे डब्ल्यूएचओ 10 दिन आगरु रिपोर्ट देछि जे भारत रे महामारी एंडेमिक काड़ को जाउछे। डब्ल्यूएचओ रो रिपोर्ट को ग्रहण करबाक हेबो किंतु आमे 100% निश्चय नुहे जे प्रति मॉडल रो ऊपर तल थाए एई क्षेत्र रे भी होई पारे। आमे आश्वस्त हेबा नाही, लक्षण आसिले डाक्तरखाना आसिबा को परामर्श देछंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। केरल रे कोरोना संख्या बढ़ी बढ़ी चालीथिला एबे धीरे धीरे कमुछि, सेपरि वर्तमान महाराष्ट्र रे बढ़ुछि परे कमिबो, तेणु सही मॉडल देखिले आमे ढिला हेबा नाही। जदिओ आमे भल स्थिति रे अछु, आमर पॉजिटिविटी रेट कम अछि, हॉस्पिटलाइजेशन हार कम अछि, हेले विपद निश्चय अछि, आम राज्य रे केबे भी बढ़ी पारे, तेणु कटकणा आम राज्य रे चालू रहिबो, निज दायित्व निजे नियंतु बोली कहिसेंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। डब्ल्यूएचओ रो जे अछंदी आमर चीफ साइंटिस्ट से बोधे 10 दिन आगुर कहिसेंती आमे पांडेमिक टा एंडेमिक आड़ को जाउछ,
किंतु एंडेमिकटा जदि आम कंट्रोल न करवा एंडेमिकटा पुणी पैंडेमिक हो जाए तेणु मूल मंत्र है सतर्कता समस्ते सतर्क रहा आमर जो टेक्निकल कार्यक्रम आम जारी रखु आम भी बसबूनी आम से जारी रखु आ समस्त अनुरोध समस्ते निजर दायित्व निजे निजुक जमी इनफेक्शन न आसिक देख पुणी थरे धर्म को राजनीति सहित जोड़िले राहुल गांधी निजे हिंदू धर्मर यथार्थता को बुझिबारे असमर्थ राहुल आरएसएस और बीजेपी को फेक हिंदू बोली कहिछन्ति केवल सेतिके नहे बीजेपी और आरएसएस को भी प्रकार रे हिंदू बोली प्रश्न करी निज अज्ञानतार परिचय देछन्ति राहुल को एपरी धर्म विरोधी मंतव्य को नहीं बीजेपी तरफ कड़ा समालोचना कराजिबा सहित प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि कहीं लक्ष्मी को मारते हैं कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं, उनको हिंदू धर्म से इस प्रकार का वैमनस्य क्यों है? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। हिंदू तो आप भी नहीं है, आपके आपके परदादा जो है फिरोज खान थे, आपकी माँ ईसाई हैं, आपके पूज्य जीजाजी ईसाई हैं, आपके अंदर हिंदुत्व का खून है ऐसा कहीं नजर नहीं आता। पूरी हला राहुल का मति भ्रम पूरी दिले हिंदू विरोधी मंतव्य हिंदू धर्म को नहीं आरएसएस और बीजेपी को कले टारगेट आरएसएस और बीजेपी को कहिले नकली हिंदू राहुल का मंतव्य को बीजेपी रा कड़ा समालोचना सेप्टेम्बर 15 तारीख रे नुआ दिल्ली रे महिला कांग्रेस उत्सव उद्घाटन अवसर रे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्णी देइछंती हिंदू विरोधी बयान आरएसएस और बीजेपी को फेक हिंदू बा नकली हिंदू बोली मंतव्य देबा सहित सेमाने हिंदू धर्मर अपव्यवहार करुछंती बोली मध्य कहिछंती राहुल राहुल गांधी समय समय रे विभिन्न हिंदू विरोधी मंतव्य देय आसीछंती निजे हिंदू धर्मर प्रकृत अर्थ और सार तत्व को न बुझितिबा राहुल को बीजेपी और आरएसएस उपरे हिंदू धर्म को ने टारगेट करबा परे बीजेपी तरफरु आरंभ होईछि कड़ा प्रतिक्रिया हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं भगवान शिव के हाथ और महावीर जी के हाथ में उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आता है मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो कदाचित नहीं करना चाहिए माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी भारतवर्ष के किसी भी ऋषि मुनि के नाम पर उनका गोत्र नहीं है वो कौन से गोत्र के हैं एक बार बड़ा जनेऊ पहनकर गोत्र का नाम लिए थे उस गोत्र का भारतवर्ष के जो इतिहास है उसमें कहीं भी ऋषि मुनि का नाम नहीं तो राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं वो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट भाजपा को देने की जरूरत नहीं है आपको कैसे पता हो गया कि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की शक्ति कम हो रही है आज भी आपने कह दिया कि चौराहे पर लक्ष्मी और दुर्गा को पीटा जा रहा है आपके खिलाफ FIR दर्ज भी कराई जाएगी और आपने जो हिंदुओं का अपमान किया है पूरी आप सहित पूरी कांग्रेस को हिंदू और हिंदुस्तान से माफी मांगनी होगी हिंदू देवी देवताओं के अपमान के कारण यही अवसर रे कांग्रेस और बीजेपी रा आदर्श परस्पर ठारु संपूर्ण भिन्न और कौन सी गोटिया आदर्श ही देश को शासन करी पारिबो बोली कहिछंती राहुल तेबे निजर और देशवासी को धर्म को नकली कही पारुतिबा राहुल केउ आदर्श रा पाठ पढाउछंती ताहा को नै बीजेपी और आरएसएस पक्षरु प्रश्न उठिछि केवल सेतिकी नुहे बीजेपी और आरएसएस की प्रकार हिंदू बोली प्रश्न पचारुथिबा राहुल निजे हिंदू धर्मर आदर्श रे केते अनुप्राणित एहा को नै मध्य तीव्र समालोचना प्रकाश पाइछि ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय सरिच्छ बुलेटिन को इस सरिच्छ मते विदा दियंतु नमस्कार।